और जब इसका गठन हुआ था तो हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी का स्पष्ट निर्देश था कि हर महीने के पहले सप्ताह में बैठक करके और जो क्या चल रहा है और किस एजेंडे पे हमको आगे बढ़ना है, तो एजेंडा था आज हम लोगों का सबसे पहले कि जो मांडर में चुनाव हमारी बिटिया लड़ रही है शिल्पी नेहा तिर्की, उसके लिए कैसे हम लोगों को वार रूम से लेकर के प्रखंड पंचायतों तक सबकी जिम्मेदारी लगानी है, उस पर चर्चा हुई है। सभी लोगों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। साथ ही साथ जो हम लोगों को 9 अगस्त से कार्यक्रम करना है उस पर भी चर्चा हुई है, और 11 से जो सबसे पहले 11 से 14 जून तक हम लोगों को सभी जिलों में वर्कशॉप करना है, कार्यशाला करना है, उस पर चर्चा हुई है कि किस तरह से प्रभावी तरीके से करना है ताकि जो उदयपुर में जो हम लोगों ने संकल्प शिविर में हिस्सा लिया और उदयपुर संकल्प शिविर का जो ऐलान है, जो एजेंडा है, उसको कैसे जिलों से लेकर के प्रखंड स्तर तक बूथ स्तर तक पहुंचाया जाए, उस निमित्त कार्यशाला को सफल बनाने के लिए सारी चर्चा हुई है। हम समझते हैं कि हम लोग जो चर्चा किए हैं आने वाले समय में वो बहुत महत्व रखता है, और हम लोग लगातार इस तरह बैठते रहेंगे। और ये एक बड़ी अच्छी बैठक थी कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोगों ने संजीदगी से अपनी पूरी बात रखने का काम किया। 9 अगस्त को क्या करते हैं? देखिए, 9 अगस्त से हम लोगों को पदयात्रा करनी है, 9 अगस्त से 14 अगस्त तक। 15 अगस्त को हम लोगों को स्वतंत्रता दिवस के जो कार्यक्रम होते हैं उसको भव्य तरीके से करना है, तो उस निमित्त भी सारी बातें हुई कि कैसे रूट प्लान करना है ताकि हम गांव, पंचायत, प्रखंड सबको टच करते हुए एक जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी का मैसेज है, जो हमारे राहुल गांधी जी का मैसेज है, उसको लोगों तक पहुंचाना है। और जो देश जिस तबाही के दौर से गुजर रहा है, जो आप देखेंगे नफरत की दौर से गुजर रहा है, उसको कैसे सद्भाव ना में बदलेंगे, उस पर हम लोग वो पदयात्रा करेंगे। और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि जो तैयारी है हम लोगों की, पदयात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। मांडर को लेकर आपने कहा कि वार रूम तैयार करना, आपको रणनीति बनाई है, कितने विधायकों को अलग अलग आप क्षेत्रों में बांटेंगे, आपके सांसद कितने रहेंगे, क्योंकि आपकी जो लड़ाई है वो सामने वाला जो दल है वो सांगठनिक रूप से बहुत मजबूत है। देखिए, हम ये नहीं मानते कि वो सांगठनिक रूप से मजबूत है। अगर सांगठनिक रूप से मजबूत रहते तो जिस उम्मीदवार को इस बार उतारा है उसको 2019 में क्यों नहीं उतारा? क्योंकि उनको भरोसा था कि जो आज देवकुमार धान चुनाव लड़ रहे हैं वो पिछले वर्ष उनके कैंडिडेट थे। तो आप समझ लीजिए कि वहाँ सांगठनिक व्यवस्था उनकी पूरी तरह से ध्वस्त है। अब जहाँ तक हमारी बात है तो हमने पूरी तैयारी की है, हमारे सारे विधायक, हमारे जो सारे स्टार प्रचारक हैं, हम कोशिश करेंगे कि हमारे 432 जो बूथ हैं, 10-10 बूथ की लोग जिम्मेदारी लेंगे, और वार रूम में डेली सुबह शाम कौन कहाँ है, कैसे काम कर रहा है, सबकी फीडबैक ली जाएगी और कहाँ हम कहाँ तक पहुँचे हैं, और जो जो पिछले चुनाव में कमज़ोर बूथ रहा है उसको हम कैसे मजबूती से साध सकते हैं, उन सारे विषयों पर चर्चा हुई है। आप जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आपको कल से दिखाई देने लगेगा कि हम लोग किस तरह से चुनाव में जुट रहे हैं। और हमारे सारे नेता, हमारे गठबंधन के जो नेता हैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी, हम लोग उनसे भी आग्रह करेंगे कि जो भी उनको जितना समय मिले, ज़्यादा से ज़्यादा समय हम उनका लेने का प्रयास करेंगे, और जो वहाँ बड़ी सभा होगी उसमें उनको आमंत्रित करेंगे।